हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वेलकम बैक टू के एजुकेशनल आज हम लोगों को इस वीडियो में एस क्लर्क मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पज़ल देखना है बहुत ही ट्रिकी पजल है और ये मेमोरी बेस्ड पजल एस बी आई क्लर्क मींस टू में पूछा गया था राइट तो बहुत ही अच्छा पज़ल है कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और टाइमर का यूज़ करते हुए पजल बनाइएगा देखिए पजल आपके सामने है अब पजल को मैं बोलूँगा हर हमेशा एग्ज़ाम में पहले पजल पढ़िएगा कोशिश कीजिएगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा ये पहले ही निष्कर्ष बनाना है आपको निकालना है और फिर आपको पज़ल पे आना है जैसे ये पज़ल मैं दिखा रहा हूँ ये पज़ल एग्जाम में आया था अगर आप इस पजल को लेते हैं अटैम्प्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर जाएगा राइट तो बात ऐसा है कि अगर आप सही पॉसिबिलिटी पकड़ लेते हैं तो फिर आपका एक बार में बन जाएगा नहीं तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा तो इस पज़ल को किस तरीके से बनाना है क्या इसका अप्रोच है किस अप्रोच से आप लोग चलें ताकि आपका पज़ल जल्दी बन जाए कैसे आप हर एक पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करें और जो सही आपका आंसर है वहाँ तक पहुँचें इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं और चलते हैं कि इस पज़ल को कैसे सॉल्व किया जाए देखिए इस पज़ल में अगर देखा जाए तो क्या है देर आर नाइन बॉक्सेस का बात किया गया है और ये नाइन बॉक्स विच आर कप केप्ट वन अबव अनदर सच दैट द बॉक्स विच इज़ प्लेस्ड एट ऐट बॉटम मोस्ट पोजन इज़ नंबर वन ठीक है बताया गया है एंड सो ऑन टिल बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द टॉप पोजिशन इज द नंबर नाइन लेट मी यस नंबर नाइन ऑल द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ द पेन्स इन इट और जितना भी बॉक्स है हर एक में डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स है ठीक है नोट में देखिए क्या दिया गया है द नंबर ऑफ पेंस द नंबर ऑफ पेन्स इन ए बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ द प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच स्किप्ट इमीडिएटली अब इट देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सबसे पहले यहाँ पर किया गया है कि जो बॉक्स है उसका ऊपर वाला जो पोजिशन होगा द पोजिशन अबब दैट बॉक्स उसका अगर आप देखें कि जो मल्टीपल होगा उसका जो मल्टीपल नंबर निकलेगा वही पोजीशन रखा सकता है आपके उस बॉक्स में हालांकि ये सवाल जब बनाएंगे तो यह क्लियर हो जाएगा एंड द नंबर ऑफ पेन्स इन दॉक्स विच इज स्किप्ड एट द बॉटम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ अच्छा अब समझिए जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये बॉक्स नाइन ऐसा दिया गया था बॉक्स नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन बॉक्स नाइन का जो या बॉक्स बॉटम मॉस्ट पोजिशन का अगर बात करते हैं तो देखिए बॉटम मोस्ट पोज़िशन में क्या दिया गया है पेन्स इन द बॉक्स व्हिच इज स्केप्ड एट द बॉटम इज इक्वल टू द मल्टिपल ऑफ़ टू दैट इज टू फोर सिक्स एंड सो ऑन मतलब बॉक्स जब वन की बात करेंगे तो इस पे जो आपका पोज़िशन होगा और इस पे जो नंबर ऑफ़ पेंस होगा वो हर हमेशा टू का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आएगा टू का मल्टीपल अगर आप सेकंड वाले बॉक्स की बात करें तो इस पोजन पे क्या निकल कर आएगा जो थ्री का मल्टीपल आएगा वही कंडीशन आपका पेन यहाँ पर पे बन सकता है तो हर एक के लिए यही चीज बनेगा तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैंने इसको पूरा ड्रॉ कर लिया ठीक है अब देखिए क्या दिया गया है एंड सो ऑन ऑन द नंबर ऑफ द पेन्स इन द बॉक्स विच इज़ प्लेस्ड एट द टॉप पोजिशन दैट इज नाइन्थ पोजिशन तो नाइन्थ पोर्शन आपका टॉप है इस पोजिशन पे जो पेन होगा नाइन के पोजिशन ऊपर वाला क्या जगह होता है दैट इज इजेंथ तो टेन का मल्टीपल दैट इज इजी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एंड सो ऑन तो यही पोजिशन आपका जो नंबर ऑफ पेंस होगा वो नाइन्थ पोजिशन पर बनकर आएगा ठीक है यहां तक बिल्कुल क्लियर है अब इंफॉर्मेशन दिया गया है दैट ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग 42 पेंस एंड द बॉक्स ए देखिए पहला जो आपको दिया गया है एक हिंट जैसा दिया है कि 42 और ए के बीच में जो नंबर ऑफ बॉक्स होगा वो कितना होगा दो होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस इज टू बिटवीन बॉक्स ए एंड द बॉक्स हैविंग 42 टू पेन्स नाउ द बॉक्स आई स्केप्ट एट ऑट नंबर पोजिशन विच इज इमीडिएटली बिलो एफ देखिए बिलो एफ के बाद आई का बात किया गया एंड दिस आई पोजिशंस इज ऑलवेज एट ऑर्ड पोजिशन तो ऑर्ड फ्लोर राइट तो ऑर्ड फ्लोर का बात क्या हो सकता है सपोज सेवन पे होगा अगर आई तो उसके ठीक ऊपर एफ पोजिशन विल भी देअ एंड देर इज वनली वन बॉक्स स्किप्ट बिटवीन दॉक्स ई एंड द बॉक्स हैविंग ट्वेंटी फाइव पेन्स ना वन मो हिंट इज दैट देयर इज वनली वन बॉक्स एक ही बॉक्स होगा बॉक्स ई e और ट्वेंटी फाइव के बीच में तो ये भी एक हिंट है मैंने नोट कर लिया कि बॉक्स ई e और ट्वेंटी फाइव के बीच में कितना का गैप है वन का गैप है बॉक्स डी स्किप्ट इमीडिएटली अब बॉक्स कंटेनिंग सिक्सटी थ्री पेन नाउ अब दिया गया है कि बॉक्स सिक्सटी थ्री जिसमें कि सिक्सटी थ्री पेन होगा वो हर हमेशा बॉक्स डी से रिलेशन है कि बॉक्स डी स्किप्ड इमिडिएटली अब बॉक्स कंटेनिंग सिक्सटी थ्री पेन जिस बॉक्स में सिक्सटी थ्री पेन होगा उसके ठीक इमीडिएटली अब पोजिशन पे आपका क्या होगा डी होगा दैट डी शुड ऑलवेज एक्ट इमीडिएट अब

डी और आई के पेन के डिफरेंस के बीच में जो हो रहा है वही होगा बॉक्स बी अब द बॉक्स हैविंग एट पेन्स एक और बात है कि बॉक्स बी स्किप्ड अब द बॉक्स हैविंग एट नंबर ऑफ पेन्स ये दिया गया कि जैसे बॉक्स एट बॉक्स कोई भी हो उसमें अगर एट नंबर ऑफ पेन्स है तो उसके ऊपर पोजिशन पर क्या निकल कर आएगा बी होगा Now the one box G contain twenty-one less pen than the box A contain. Box A maya agar kuchbi number of pens hai. Usme twenty one less kar diya jai, that number of pen will always goes to G. So G always contain twenty one less pen than A and the only three boxes are kept between the box D and the box containing twelve pens. ओनली थ्री बॉक्सेस तीन बॉक्सेस की बात की गई है डी और ट्वेल्व के बीच में तो मैं लिख देता हूँ डी और ट्वेल्व के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस जो होंगे वो थ्री होंगे मतलब जो गैप होगा वो थ्री होगा एंड ओनली टू बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स एच एंड द बॉक्स हैविंग ट्वेल्व पेन एक और रिलेशन है ट्वेल्व से रिलेटेड है जो कि बॉक्स ट्वेल्व और एच में दिया गया दैट देयर इज नंबर ऑफ टू बॉक्सेस गैप बिटवीन द एच एंड ट्वेल्व इज टू मोर देन थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स सी एंड द बॉक्स एच अब रिलेशन है कि थ्री मोर देन हमेशा थ्री होना चाहिए किसके बीच में द बॉक्स एच एंड बॉक्स सी इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ गैप होगा दैट शुड ऑलवेज मोर देन थ्री द बॉक्स हैविंग पेन विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री इज केप्ट इमीडिएट अब द बॉक्स सी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री का मतलब क्या हो गया दैट इज नाइन तो नाइन इज ऑलवेज इमीडिएट अब सी तो सी का अगर जहां भी पोर्शन बनकर आएगा उसके ठीक ऊपर पोजिशन पे नाइन होगा ठीक है मतलब क्या हो गया कि दैट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ थ्री इजेप्ड इमीडिएट अब ऑफ सी द नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स डी इज इक्वल टू दम ऑफ द नंबर ऑफ पेन इन बॉक्स एच अब दिया गया है कि जो डी है ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा एच के एंड द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट द सेकेंड पोर्शन एक और रिलेशन है ये दिया गया है किससे कि D हर हमेशा इक्वल होगा किसके H और जो सेकेंड पोर्शन पे है इन दोनों के इक्वल होगा नाउ अब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन था हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया नाउ वी नीड टू इंप्लीमेंट ऑल दी इंफॉर्मेशन तो कोरिलेट करना होगा क्योंकि अभी तक मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिखा नहीं कि मैं प्रोसीड कर पाऊं लेकिन एक मुझे इंफॉर्मेशन दिख रहा है कि मैं प्रोसीड कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन वो क्या है देखिए परफेक्ट स्क्वायर का बात किया गया था परफेक्ट स्क्वायर इज नाइन और नाइन किसका मल्टीपल हो सकता है नाइन इज मल्टीपल ऑफ ऑलवेज थ्री एंड नाइन इट मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि तीन का ही मल्टीपल हो सकता है नाइन और नाइन का ही मल्टीपल नाइन हो सकता है तो एक बात क्लियर है कि नाइन का मल्टीपल अगर नाइन होगा तो मे बी जो पोजीशन आपका बनकर आएगा वो कहाँ होगा एट पे आएगा या फिर जो नाइन का मल्टीपल थ्री uh, का मल्टीपल नाइन है तो वो पोजीशन नाइन बनकर कहाँ पर आएगा ऑलवेज ऑन सेकेंड पोजिशन यही दो पोजिशन बनकर आ सकता है एक और बात है बात क्या है दैट ट्वेंटी फाइव मुझे दिख रहा है ट्वेंटी फाइव कब हो सकता है ट्वेंटी फाइव किसका मल्टीपल हो सकता है ट्वेंटी फाइव आपका मल्टीपल हो सकता है पहला फाइव का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और फाइव को छोड़कर कोई भी ऐसा फ्लोर नहीं है जिसका कि मल्टीपल हो सकता है मतलब फाइव मुझे नाइन में एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी दिख रहा था लेकिन मुझे ट्वेंटी फाइव में एक ही चांस दिख रहा है और वो पोजिशन किसके लिए जाएगा फोर के लिए क्योंकि फाइव का स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर है 25 तो 5 के लिए हमारा जो पोजीशन बनकर आएगा वो फोर्थ पोजीशन पे बन के आएगा मतलब 25 फाइव इज ऑलवेज ऑन फोर्थ पोजीशन ये हमारा डेफिनेट टेक इन्फॉर्मेशन था अब डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया है अब मैं चलता हूँ कि ई e और 25 में 1 का गैप है मतलब एक बात क्लियर है कि ई e का पोजीशन या तो आपका एक के गैप के साथ यहां पर बनकर आ सकता है या फिर दूसरा ई का पोर्शन अगर बनेगा तो वन के गैप के साथ सेकेंड पोर्शन पे बनेगा तो मैं क्या करता हूँ कि एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेता हूँ देखिए मैंने एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ किया और मैं अब 25 को तो प्लेस कर देता हूं यहां पर लेकिन जो 25 के बाद ई का गैप बन रहा था वो कहां पर आ जाएगा ये पोर्शन बनकर आया यहां तक क्लियर है ऑल राइट ना वी नीड टू गो टू को रिलेट द इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन डी ट्वेल्व एंड ट्वेल्व एच क्योंकि ट्वेल्व दोनों में कॉमन है तो मैं क्या करता हूँ कि मे बी द चांसेस इज दैट डी इज अबव ट्वेल्व और डी शुड बिलो ट्वेल्व तो मैं कैसे correlate हूं? को रिलेट करता हूँ को रिलेट ऐसे करता हूँ कि डी और ट्वेल्व का जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे है कि सपोज अभी ट्वेल्व ऊपर होगा और वन टू एंड थ्री का गैप और ये पोर्शन जो होगा यहाँ पर डी होगा ठीक है अभी एक बात क्लियर था कि 63 थ्री हर हमेशा डी के नीचे होगा तो मतलब 63 का पोर्शन कहाँ बनकर आएगा यहाँ पर बनकर आएगा यही पॉसिबिलिटी बन सकता है या फिर आपके दिमाग में एक और बात होगा कि क्या 12 बिलो नहीं हो सकता है डी के बिल्कुल हो सकता है अगर डी हमारा यहाँ है तो वन टू एंड थ्री के गैप के साथ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा और फिर सिक्सटी थ्री का जो पोर्शन हमें दिया गया था वो कहाँ पर बनकर आएगा ये बनकर आएगा यही कुछ बन रहा है चलिए ये हमारे लिए दो पॉसिबिलिटी बनकर आता है हालांकि देखिए इसीलिए मैंने बता बताया था कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है टी और काफ़ी टाइम कंज्यूम कर करेगा लेकिन पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करते हुए चलना है दूसरा मैं इंफॉर्मेशन ये लेता हूँ कि 63 किसका किसका मल्टीपल हो सकता है 63 जब हमारा मल्टीपल बनकर आएगा तो वो किसका होगा एक तो नाइन का हो सकता है दूसरा सेवन का हो सकता है और तीसरा आपका थ्री का भी हो सकता है ठीक है अगर इस हिसाब से फ्लोर देखा जाए तो किस किस फ्लोर में आएगा नाइन मतलब नाइन का मल्टीपल है मतलब वो फ्लोर नंबर एट पे आ सकता है सेवन का मल्टीपल है मतलब फ्लोर नंबर सिक्स पे और थ्री का मल्टीपल में मतलब फ्लोर फोर नंबर फ्लोर नंबर टू पे आएगा अब मैं ट्वेल्व और सिक्सटी थ्री दोनों को देखना है तो ट्वेल्व के लिए क्या क्या मल्टीपल बनकर आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर भी आ सकता है सिक्स भी आ सकता है अगर फ्लोर की बात की जाए दोनों में तो क्या क्या फ्लोर बनकर आएगा टू मतलब वन फ्लोर पे आएगा थ्री मतलब सेकेंड फ्लोर पे आएगा फोर्थ मतलब ऑलवेज ऑन थर्ड फ्लोर एंड सिक्स मतलब फिफ्थ फ्लोर होगा एजेंट इट ये चीज क्लियर है अब मैं दिखाता हूं कि कैसे पॉसिबिलिटी बिना रखे एलिमिनेट भी हो सकता है अब देखिए 63 जो पोजीशन पे है इस पोजीशन पे और इस पोजिशन पर मतलब टोटल कितना का गैप हो रहा है हमारा फ्लोर का अब ट्वेल्व जो है हर हमेशा पता है कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ फ्लोर पर है आएगा तो अगर मैं फिफ्थ से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करना है कि ट्वेल्व जो है फर्स्ट पे तो पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि इससे नीचे अभी रखा गया है मैंने ये पॉसिबिलिटी पहले लेके चलना है तो ट्वेल्थ से नीचे हो नहीं सकता सेकेंड पे भी नहीं होगा थर्ड पे भी नहीं होगा और अगर आप फिफ्थ पे रखें तो भी आपका डी तक आ रहा है और उसके बाद 63 नहीं हो सकता है मतलब एक बात क्लियर है कि कभी भी ये पॉसिबिलिटी तो होगा नहीं अब हमें इस पॉसिबिलिटी के साथ चलना है इस पॉसिबिलिटी के साथ चलते हुए क्या करना है अब 12 की बात है तो 12 हमारा जब फर्स्ट फ्लोर पे आता है तो आप देखें कि इस दोनों के बीच में टोटल वन टू एंड थ्री के गैप के साथ डी यहाँ आएगा और सिक्सटी थ्री यहाँ पर पॉसिबल नहीं है मतलब क्लियर है कि ट्वेल्व फर्स्ट फ्लोर पर तो होगा नहीं किसी भी पॉसिबिलिटी में नाउ सेकंड फ्लोर पे देखा जाए सेकंड फ्लोर पे जब होता है तो वन टू एंड थ्री के गैप के साथ ई e नहीं हो सकता है मतलब सेकंड भी क्लियर है नहीं होगा थर्ड पे आते हैं थर्ड की जब बात की जाएगी तो देखिए थर्ड फ्लोर पे जब आप ट्वेल्थ को रखते हैं तो वन टू एंड थ्री के साथ डी यहाँ पर है पॉसिबल और डी के नीचे सिक्सटी हो जाएगा लेकिन आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि ई e सिक्सटी नहीं होगा और आपको ई e सिक्सटी बन रहा है मतलब यहाँ तो थर्ड पर भी नहीं होगा तो हमारा एक ही बच रहा है फिफ्थ मतलब फिफ्थ पे आपका ट्वेल्व बनकर आएगा और ट्वेल्व जैसे ही फिफ्थ पे बन के आएगा तो फिर अभी क्लियर है कि वन टू एंड थ्री के साथ डी यहाँ बनेगा एंड सिक्सटी थ्री पोर्शन शुड ऑलवेज गोज टू एट्थ फ्लोर अब जैसे ही ये चीज़ क्लियर हो गया तो फिर हमें ये देखना है कि डी और ट्वेल्व में हो गया क्लियर ट्वेल्व और एच में देखना है ट्वेल्व और एच यहाँ पर बनकर आ सकता है ट्वेल्व और एच यहाँ पर बनकर आ सकता है दो चीज़ है अब हमें इस पॉसिबिलिटी में देखना है क्या हो सकता है यहाँ तक आपको क्लियर था कि अगर फर्स्ट पे रखा जाए तो वन टू एंड थ्री के गैप के साथ डी सिक्सटी थ्री नहीं पॉसिबल है सेकेंड पे रखा जाए ट्वेल्व तो वन टू एंड थ्री यहाँ पर जब आप रखते हैं डी और इसके नीचे सिक्सटी थ्री आता है लेकिन क्या सिक्सटी थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स नो माई आंसर इज नो अगर नो होगा तो कभी भी सेकेंड फ्लोर पे नहीं हो सकता है थर्ड फ्लोर पे अगर ट्वेल्व होता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और डी यहाँ पर आता है अब ये पॉसिबल है कि यहाँ पर सिक्सटी थ्री रखा जा सकता है बिकॉज सिक्सटी थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ सेवन एजेंट इट तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि पहला एक लेके चलता हूँ कि जब मैंने ट्वेल्व को यहाँ रखा इफ ट्वेल्व इज़ इन ऑन थर्ड फ्लोर देन वन टू एंड थ्री गैप ऑफ डी शुड बी हीयर एंड सिक्सटी थ्री पोजन शुड बी हीयर बिकॉज सेवन इज अ सिक्सटी थ्री इज ए मल्टीपल ऑफ सेवन अब ये भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है कि जब ट्वेल्व हमारा फिफ्थ फ्लोर पर हो वन टू एंड थ्री के गैप के साथ डी हमारा यहाँ पर हो और सिक्सटी थ्री यहाँ पर आ जाए बिकॉज नाइन सेवन जिक्सटी थ्री एंड जिक्सटी थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ नाइन तो एक और पॉसिबिलिटी अब आपके सामने आ चुका है और ये पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ट्वेल्थ आपका फिफ्थ पोजिशन पर होगा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अब देखिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया है अभी हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बन रहा था कि फिफ्थ पे जब आपका ट्वेल्व होगा तो डी हमारा कहाँ हो जाएगा नाइन्थ फ्लोर पे होगा और सिक्सटी थ्री कहाँ बन कर आएगा? यहाँ पर बन कर आएगा। तीन पॉसिबिलिटी क्रिएट हो चुका है अब आपको देखना है कि कौन सा पॉसिबिलिटी सही है क्लियर है यहाँ तक अब देखना है कि हमें और क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं इसको पुट कर सकूँ अभी तक हम लोगों ने देखा था एक इन्फॉर्मेशन ये रिलेटेड था कि नाइन और सी का नाइन और सी मतलब क्या होता है नाइन किसका मल्टीपल होगा एक तो थ्री का दूसरा नाइन एट तो बात जब यहाँ पर आएगा कि यहाँ नाइन का मल्टीपल है नाइन का मल्टीपल है मतलब एट पे होना चाहिए था नहीं हो सकता है तो कहाँ पर होगा थ्री का मल्टीपल नाइन है मतलब कहाँ सी बनकर आएगा नाइन यहाँ पर बनकर आएगा और नाइन के ठीक नीचे सी बनकर आएगा मैंने ये चीज़ क्लियर है इस चीज़ में भी आपका यही हो सकता है ठीक है तो ये चीज़ नाइन बनकर आएगा और सी क्लियर है कि यहाँ पर होगा लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता है ठीक है जब यहाँ पर नहीं हो सकता है तो एक चीज़ बिल्कुल हो सकता है कि ट्वेल्व और एच में जो हमारा गैप था वो हम लोग पुट कर सकते हैं क्योंकि ट्वेल्व और एच में दो का गैप है अगर ट्वेल्व यहाँ है तो दो का गैप नीचे नहीं हो सकता है दो का गैप ऊपर होगा एंड एच शुड बी ऑन सिक्स फ्लोर अब यहाँ पर देखते हैं ट्वेल्व यहाँ है, 12 यहां है तो H यहाँ हो सकता है बिल्कुल अब 12 अगर यहाँ है तो दो के गैप के साथ H हो सकता है लेकिन एक इन्फॉर्मेशन था और इन्फॉर्मेशन ये था कि जो हमारा C है और H के बारे में हाँ देखिए C और H में इज़ मोर देन थ्री का गैप होगा क्या H अगर 12 के नीचे रखें तो मोर देन थ्री का गैप बन रहा है नेव मतलब एच हमारा हमेशा टॉप पोजिशन पर होगा इस कंडीशन में ट्वेल्व अगर यहाँ है तो एच ये सही बन गया है उस हिसाब से जो सी हमारा बनेगा वो क्या कभी भी आपका यहाँ के आसपास बन सकता है कभी नहीं बन सकता है मतलब सी ऑलवेज फर्स्ट फ्लोर पे होगा और ये ही आपका नाइन का पोर्शन बनेगा अब इस कंडीशन में भी जो ट्वेल्व और एच का गैप बनकर आएगा वो कहाँ बनकर आएगा बस और बस यहाँ बनकर आएगा यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कुछ इंफॉर्मेशन और हम लोगों को अब इम्प्लीमेंट करना होगा जैसे इंफॉर्मेशन एक ये था कि एफ़ और आई ऑड वाला जो गैप है बिल्कुल सही हो सकता है कैसे देखिए F अगर यहाँ होगा I ऑड पे नहीं हो सकता है लेकिन F अगर यहाँ हुआ तो I ऑड पे हो सकता है और ये बिल्कुल सटीक है इस कंडीशन में कहाँ पर हो सकता है देखिए यहाँ पर जब F होता है तो I यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ऑड का कंडीशन चाहिए इसको इसमें हमारा लगभग दो पॉसिबिलिटी बन रहा है एक तो ये बन रहा है कि जब फिफ्थ पे आई हो सकता है दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है कि जब थर्ड पे आई होगा अब ये तो स्टेप है जिसमें काफ़ी कुछ दूर तक हम लोग चले गए हैं लेकिन ये दोनों अभी भी ये तो कुछ और क्लियर नहीं है ये थोड़ा क्लियर भी है अब एक चीज़ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि शायद इसमें दो पॉसिबिलिटी जो बन रहा है उसको कैसे एलिमिनेट करें तो मैं कुछ नहीं एक चीज़ और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे ये पॉसिबिलिटी भी एलिमिनेट हो सकता है अब देखिए यहाँ पे नाइन है यहाँ पे आपका ई e हो गया इसके नीचे सी हो गया और ये ट्वेंटी फाइव का प्लेस है मैंने दे दिया ये ट्वेल्व का प्लेस है क्या सही है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अच्छा गलती हो रहा था और ये नाइन्थ प्लेस है ठीक है मैंने सेकेंड पोजिशन पर नाइन दिया बिल्कुल सही है फोर्थ पोजन पर ट्वेंटी फाइव है फिफ्थ पोजन पर ट्वेल्व है सिक्सटी थ्री ऑलवेज़ ऑन ये पोर्शन होगा और यहाँ पर आपका क्या बनकर आएगा डी क्या सही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है बिल्कुल सही है अभी आइए ट्वेल्व और आपको क्या दिक्कत हो रहा था इसमें एच को रखने में सॉरी एफ़ और आई को रखने में दिक्कत हो रहा था दो पॉसिबिलिटी बन सकता है एक पॉसिबिलिटी ये बनकर आएगा कि जब f आपका यहाँ होगा और i आपका कहाँ यहां हो जाएगा दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पर बनकर आएगा कि f और i का लेकिन अभी मैं इसको रहने देता हूँ अभी मैं ये रहने देता हूँ और मैंने जो पॉसिबिलिटी बना दिया उसको और अच्छे तरीके से आपको दिखा देता हूँ कैसे और जल्दी इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा मुझे एक और कुछ रास्ता दिख गया है सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट करने से पहले है अच्छा कि हम लोग देख लें क्या और बचा है अब मुझे एक दिख रहा है कि 42 और ए भी एक इन्फॉर्मेशन है मतलब 42 का क्या मतलब होता है 42 का मतलब हो गया कि दैट 42 किसका किसका मल्टीपल हो सकता है टू का होगा थ्री का भी हो सकता है सिक्स का भी होगा सेवन का भी होगा इससे ज़्यादा तो और नहीं होगा क्योंकि दिया ही नहीं गया फ्लोर इसके हिसाब से जो फ्लोर निकल कर आएगा वो क्या हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे फिफ्थ पे या फिर सिक्स्थ फ्लोर पे होगा अब 42 टू कहाँ कहाँ हो सकता है ये अगर हम ढूंढने जाएं तो थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा लेकिन उससे भी आसान है कि सबसे पहले और कुछ देख लिया जाए D63 E63 नहीं हो सकता है 8B 8 किसका किसका है 8 के ऊपर B होगा 8 किसके लिए बन सकता है 4 के लिए भी बन सकता था 2 के लिए भी बन सकता है और 8 के लिए इट भी बन सकता है तो 8 अभी नहीं देखा जा सकता और कुछ सी के ऊपर ये डी इज इक्वल टू एच प्लस सेकेंड फ्लोर पे अच्छा देखा जाए कि डी इज इक्वल टू एच प्लस सेकेंड फ्लोर मतलब सिक्सटी थ्री और सेकेंड फ्लोर पे नाइन है तो 9 इन बारह मतलब डी 72 टू क्लियर हो गया इसमें देखा जाए एच प्लस सेकेंड फ्लोर सेवेंटी टू क्लियर हो गया इसमें देखा जाए एच प्लस सेकेंड फ्लोर सेवेंटी टू यही चीज़ यहाँ पर भी बन के आएगा सेवनटी टू ये ज़्यादा आसान था एक और कहीं कुछ आपका रिलेशन दिया हुआ था जिसमें दिया हुआ था ए माइनस ट्वेंटी टू जी अगर अच्छा ये भी देख लेना है जैसे d -I is equal to g होना है, और d का आपको पता चल गया है, i पता चल जाएगा तो g भी पता चल जाएगा है ना यहां पर देखिए d और i बिल्कुल क्लियर है इस कंडीशन में क्लियर नहीं था क्लियर तब होता जब आप इसको पुट कर देते तो मैं सबसे पहले एक चीज देखता हूं अब अगर मैं थोड़ा सा 42 का नज़र दौड़ाता हूं तो 42 का नज़र का मतलब है कि ये फर्स्ट फ्लोर पे पॉसिबल था लेकिन क्या 42 और ए का जो गैप है दो के साथ कभी भी ए हो सकता है नहीं हो सकता सेकेंड पे बिल्कुल नहीं 42 तो हो ही नहीं सकता अब फिफ्थ पे देखना है फिफ्थ पे भी नहीं होगा तो सिक्स पे बचा सिक्स मतलब फोर्टी टू यहाँ होगा फोर्टी टू अगर यहाँ होता है तो ए का गैप के लिए आपको दो चाहिए था जो कि कभी पॉसिबल नहीं है एलिमिनेट इसमें देखिए इसमें मतलब क्या हो गया 42 टू यहाँ हो सकता है ए नहीं पॉसिबल है 42 अगर फिफ्थ पे होता है तो ए पॉसिबल है और 42 टू फिफ्थ के बाद तो और सिक्स पे होगा और सिक्सथ पे तो जगह ही नहीं है ठीक है मतलब यहाँ पे अगर 42 होता है तो दो का गैप के साथ ए पोजिशन शुड बी हीयर अब इसमें आते हैं कि जब 42 का बात है 42 टू फर्स्ट पे ए हो सकता है ठीक है 42 टू सेकेंड पे नहीं होगा फोर्टी टू फिफ्थ पे तो पॉसिबल ही नहीं है और फोर्टी टू सिक्स पे पॉसिबल है मतलब इस केस में एक चीज़ बन रहा है कि दो जगह बन कर आएगा एक तो फोर्टी टू यहाँ हो सकता है दूसरा फोर्टी टू कहाँ पर हो सकता है आपका सिक्स पे हो सकता है मैंने रखा फोर्टी टू अगर यहाँ है तो दो के गैप के साथ ए यहाँ पर बनकर आ जाएगा और फोर्टी टू यहाँ है तो दो का गैप के साथ ए यहाँ पर बनकर आएगा अब आते हैं ये जो आपको दिया गया था एफ और आई वाला एफ़ और आई ऑड पे था इसमें और इसमें क्लियर हो गया एफ और आई एफ अगर यहां पर होता है तो आई यहां होगा इसको छोड़ के और कहीं नहीं हो सकता है एफ यहां है तो आई यहां हो जाएगा इसमें देखते हैं कहाँ हो सकता है एफ आई एफ और आई दो जगह है चलिए लेकिन यहां पे थोड़ा सा छूट गया है इसकी वजह से एफ आई का दिक्कत हो रहा है लेकिन अगर अब देखा जाए तो एफ और आई बस और बस यहां हो सकता है इसको छोड़ के और कहीं नहीं हो सकता है ठीक है अब आ जाते हैं एक और पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने का टाइम आ चुका है अब दिया गया था कि जी जो है वो डी और आई का डिफरेंस है जी डी पता है आई पता नहीं है तो जी पता चल जाएगा हो जाएगा पता यहां पर डी और आई के बारे में पता है कि डी सेवेंटी टू है और I 12 है मतलब G आपको पता चल गया दैट G शुड ऑलवेज 60, 60 कहां हो सकता है पता चल जाएगा इस केस में देखते हैं D 72 है I कितना है 12 है G मतलब कितना हो गया? 60 हो गया गया 60 ठीक है पता है कि G 60 हो गया इस केस में D है I है G 60 हो गया तो क्यों अब ज्यादा देखना है मुझे तो दिख रहा है दो पॉसिबल केस ऐसे ही खत्म हो रहा है क्यों सिक्सटी का कब पोशन बनकर आ सकता है एक तो पोजन ईवन नंबर पर बनकर आएगा ठीक है दूसरा पोशन कब बनकर आएगा जी सिक्सटी होना चाहिए तो मुझे एक चीज दिख रहा है सिक्सटी कब हो सकता है एक तो यहाँ पर है कि फोर अनजा फोर फोर फाइव ज ट्वेंटी मतलब थर्ड पे आपका यहाँ पे बन सकता है लेकिन इस केस में इस केस में क्या बन सकता है नहीं तो मतलब ये केस आपका 260 एक यहां पे बन सकता था ये पॉसिबल नहीं है मतलब ये केस आपका एलिमिनेट हो गया अब इसके बारे में थोड़ा सा देखना है अगर ये देखना है तो ये भी क्लियर है क्योंकि मुझे एक याद इंफॉर्मेशन था कि एट के ऊपर बी होगा एट कौन से जगह पर बनकर आ सकता है ठीक है अगर एट यहाँ पर बनकर आएगा जो कि एट इट्स अ मल्टीपल ऑफ इट uh, सेल्फ का मल्टीपल है तो यहाँ पर बन सकता है लेकिन क्या इसके ऊपर भी हो सकता है नहीं तो अब आपके पास क्या जगह बचा यहाँ बस जगह बचा क्योंकि फोर टू जट अगर एट यहाँ होता है तो आपको पता है बी यहाँ पर जाएगा और बी जैसे ही यहाँ पर गया तो जी सिक्सटी का तो आपके पास है ही नहीं कुछ स्पेस तो ये भी गन आपका पता चल गया कि ये और ये खत्म हो चुका है ये भी खत्म हो चुका तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बस और बस यही बच रहा है अब जी सिक्सटी कहाँ पर हो सकता है जी सिक्सटी एक ही आपके पास बचा जो कि अगर नाइन के ऊपर वाले फ्लोर की बात की जाए तो टेन होता है टेन का मल्टीपल जाते तो पर बन गया ठीक है जैसे ये क्लियर हो गया तो अब पता है एट के ऊपर बी होगा एट मैं यहां दे देता हूं और बी आपका कहां पर जगह बनकर आएगा ये अब कुछ बच गया ए A इज इक्वल टू था ए माइनस ट्वेंटी टू जी जी अगर सिक्सटी है तो ए कितना हो जाएगा 81 और क्या 81 वन मल्टीपल ऑफ नाइन है बिल्कुल है बिल्कुल है और ये ही पॉसिबिलिटी आपका सही हो रहा है और सही हो चुका है क्लियर है कि ये कैसे पॉसिबिलिटी एलिमिनेट किया गया वन ऑफ द दिक्क पजल दैट वाज आस्ट इन एस बी आई क्लर्क मीनस टू तो यही पज़ल है जो कि टाइम कंज्यूम करता है अब आपके सामने जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि इस पज़ल का क्या फाइनल सोल्यूशन होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं और मैं ये बता दूं कि आप लोगों को ये पज़ल शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप पे टेलीग्राम हो व्हाट्सएप हो किसी भी ग्रुप पे इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि और भी आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा यहाँ पर So thank you and God bless you all.